उड़ीसा को एक क्राइम कैपिटल बना दिया, सबसे ज़्यादा रेप है, सबसे ज़्यादा अपराध है, सबसे ज़्यादा लूट है। दूसरा है कि नवीन जी के जितने भी लोग हैं, जितने एमएलए मिनिस्टर्स हैं, जितने उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, सब लोग जो है एक गैंग बन गया लूटने के लिए। बीजेडी ने पूरा प्रदेश को बाहरी लोग के लिए भेज दिया, बाहर के लोग को पूरी तरह से भेज दिया। चौथा चीज जो स्वास्थ्य का देख लीजिए, कोई स्वास्थ्य चीज का नाम ही नहीं है गांव देहात में। आपका जो इंटरनेट कवरेज है, इंटरनेट कवरेज जो है उड़ीसा में वो 40% है गांव क्षेत्र में। आज के ज़माने में अगर इंटरनेट कवरेज जो है पंचायत में 40% जो है, देहात में कवरेज इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा है। स्कूल में टीचर नहीं है, बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे हैं तो मजबूरी में मजदूरी कर रहे हैं। नौकरी नहीं है तो 30 लाख लोग प्लान कर चुके हैं। ठीक है, बीजेपी और बीजेडी की जो शादी हुई है उसका एक ही मकसद है कि जंगल जमीन को जो है बेच देने के लिए। बीजेडी और बीजेपी ने जो शादी किया है, सभी ग्रामीण क्षेत्र के जमीन को जो है उद्योगपति को बेचने के लिए किया गया है। ये बीजेडी का बीजेपी का डाउरी है, बीजेपी का डाउरी है कि हमारा डाउरी डिमांड है कि आप जंगल और जमीन हमको दो। बीजेपी ने नवीन बाबू को डिमांड किया, नवीन बाबू ने दे दिया डाउरी। लगता है कांग्रेस के पास अनगिनत प्रसंग व मुद्दा है आज घेराव करने के। नहीं नहीं, 23 साल से अनगिनत मुद्दे हैं। अब उड़ीसा के पब्लिक को ये बात समझनी चाहिए कि ये लुटेरों की सरकार है। मैं बता रहा हूँ, आप जैसे महिला जो है रात को घूमते हैं, रिपोर्टर है, यहाँ भुवनेश्वर में कोई भरोसा नहीं कि कब कोई छेड़खानी कर ले। उड़ीसा में जो है सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है, सबसे ज़्यादा गरीबी है, कोई स्कूल नहीं है, और नवीन बाबू पूरा सेटिंग कर रहे हैं बीजेपी के साथ, पांडियन जी और अश्विनी वैष्णव। हमने कहा कि उड़ीसा में एक नया कमीशन आ गया, PPC कमीशन, पांडियन प्रधान कमीशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है ना, लेकिन वो तो बाकी इंडिया में है, लेकिन यहाँ पर पांडियन प्रधान कमीशन है। तो ये PPC मॉडल को तोड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी निकली हुई है।